कल की ग्लोबल गिरावट हुई है पहले उसकी बात कर लेते फिर हमारे बाजार पर फोकस करेंगे इतनी बड़ी गिरावट कहाँ से एक्सपेक्टेड है, है खाली गिरावट की क्वांटम और स्पीड थोड़ी सी आपको याद होगा हमने एक तरफ तेजी की बात भी की थी डाउ बढ़ा भी और उसके बाद हमने कहा भी डेढ़ हजार पॉइंट के आसपास डाउ गिरने को तैयार है जी। अपनी बात हुई थी दो दिन से डेढ़ हजार पॉइंट एक बार डाउ देना चाहिए उसके बाद वापस मजबूत होगा नजदीक पहले गिरना शुरू हुआ डाव भी गिरना शुरू हुआ है पाँच सौ पॉइंट घटा है सो आई थिंक पंद्रह सौ हज़ार पॉइंट की कमजोरी की हमें आशंका थी तो कोई इशू मतलब तो एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड लाइन पर वो इसलिए है एक ग्लोबली आपके मेटल्स वेटल्स थोड़े कमज़ोर होते हुए देखिए कल भी देखिए बेस्ट मेटल्स जोर से घटे हैं और हम लगातार मेटल्स पर बैरिश है अगर मेटल्स और बैंक दो ही तो ऐसे सेक्टर है जिसको मैं कह रहा हूँ हाथ ही नहीं लगाना है लेना ही नहीं बेचना है तो पहले इनको बेचो दूसरा कल गिरे हैं कि मैग्नीफिशियंस है वो बड़ी कंपनियां नेस्डेक वाली कल वो सारी की सारी घटी है आईटी कंपनियों के नतीजे उतने बढ़िया नहीं आ रहे हैं हमारे यहाँ अच्छा रहे हैं वहाँ उतने अच्छे नहीं आ रहे टेस्ला अल्फाबेट कल इन्होंने रिजल्ट दिए तो रिजल्ट ढीले है इस वजह से घटे तो एक तो आई कंपनियों के रिजल्ट और दूसरा मेटल की कमजोरी ग्लोबल मार्केट्स में भारी पड़ती दिख रही और हम भी थोड़ा साथ देंगे

छत्तीस सौ करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं तीन हजार करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे क्यों बेचे क्यों बेचे दो चीजों से एक भाई साहब अगर आप इतनी बड़ी इवेंट के पहले अस्सी परसेंट पर लॉन्ग पर जाके बैठेंगे पचासी परसेंट लोन पर बैठेंगे तो लॉन्ग करते हैं किस लिए प्रॉफिट बुक करने के लिए करते हैं <laughs> लॉन्ग और वो भी इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग है फ्यूचर की के लॉन्गे क्योंकि डिलीवरी वाली लॉन्ग नहीं कि आप लेके बैठे बैठे आराम से राइट तो लॉन्ग करके अगर आप बैठे तो आपको कहीं कहीं तो बेचना पड़ेगा चाहे ऊपर में बेचे नीचे में बेचें चाहे प्रॉफिट बुकिंग करें चाहे लॉस बुक करें

ग्लोबल माहौल के हिसाब से भी और बजट के बाद भी दोनों में खरीदारी के मूड में नहीं है ये हमारे लिए गिरावट का सबसे बड़ा कारण कल भी अपने यही बात कर रहे थे दीप भले बजट के दिन बाजार घटे ना हो लेकिन अगर एफ खरीदने के मूड में नहीं आएंगे तो लेगा लेगा कौन लेगा कौन क्योंकि अभी बाकी ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स फंड थोड़े वेट एंड वॉच वाले मूड में अगर थोड़ा बहुत लेंगे तो भी लोकल फंड लेंगे और लोकल फंड इसलिए लेंगे उनके पास कैश बहुत है और उनको गिरावट में डालना है और खासतौर से तब डालना है जब एफ आई बेचे कल वो भी स्मार्ट निकले उन्होंने दिग्गज शेयर कम खरीदे yes. गए उधर मिड कैप स्मॉल कैप है बोले वहां खरीदो जाए एफ आई जाके बेचने पाए बात करने में सारे फंड मैनेजर्स बोलेंगे में जैसे फोरिया इतना बढ़ गया अट्ठाईस और तीस के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है हिस्टोरिकली हाई वेल्यूएशन है लेकिन जाके खरीदते भी वही है वही वही जाते क्यों की सप्लाई का डर कम है सब बोले दस टका घटेगा पांच टका घटेगा तो मैं ही ले लूंगा ना सही बात है पैसे तो मेरे पास है सो इसलिए मिड कैप स्मॉल कैप शेयर कुछ अलग ही चाल दिखा रहे हैं वहाँ तेजी होती दिख रही बट हमारी यहाँ की सबसे बड़ी समस्या एफ की बिकवाली है FIS की बिकवाली और उसका इम्पैक्ट भी आ रहा है तो जरा फिर समझाइए सर हमारे बाजारों के क्या क्या करना ना है है बहुत सारे झटके आज आपके लिए दूं। है ना? बताए <laughs> पहला तो ग्लोबल मार्केट से लगी चुका है आपको और आप देखिए अमेरिका की कमजोरी में पर पूरी दुनिया रिएक्ट कर रही है आज ऐसा नहीं कि खाली अमेरिका एशिया की हालत देखिए लहुल लुहान है बिल्कुल सब गटे पड़े खराब है एफ आई एस की कैश इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स में बारह हजार करोड़ से ज्यादा की बिकवाली है दो दिनों से बाजार निफ्टी पर चौबीस पाँच सौ के नीचे बंद हो रहे हैं निर्णायक तौर पे आपने चौबीस हजार पाँच सौ को तोड़ दिया है जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है और कल इसलिए आपको याद होगा मैंने बोला था कि लॉन्ग पोजीशन कम करके जाइए खत्म करके जाइए जो आपकी एकदम शॉर्ट टर्म वाली है चौबीस पाँच सौ के नीचे बंद होना अच्छा संकेत नहीं, नहीं। है ठीक है बैंक निफ्टी तो पहले से खराब है <laughs> हमने इग्नोर किया हमने हमेशा बोला कि अगर बेचना है तो बैंक निफ्टी पहले बेचिए और बैंक निफ्टी आपको उस तरफ दिखा भी रहा है अब ऊपर से एक्सिस बैंक के नंबर इतने घटिया है मैं बता नहीं सकता बहुत ही खराब है

ग्लोबल कमजोर एफ आई बेचने बच्चो तुम कब तक बचोगे तक बचोगे सही वो तो, तो, तो बच्चे ही आओ नीचे या ये ये से गिराएंगे ये आज का एक लिटमस टेस्ट पहला दूसरा लिटमस टेस्ट आज ये है कि नीचे खुलना तो लाजमी गए क्या आज ताकत दिखाकर रिकवरी दिखा सकता ये है ये लिटमस टेस्ट अग्नि परीक्षा है बाजार की अगर आज रिकवरी नहीं आती निचले स्टोरों से डंग डांग की तो इसका मतलब आज तेजी करने वाले आज सरेंडर कर देंगे भाई साहब हमसे ना हो पाएगा हम एक आध संभाल सकते हैं बजट संभाल सकते हैं एक बार में वो कैसा होता है ना भाई आप देखो बॉलीवुड में क्या होता है फिल्म में वो हीरो होता है है आते हैं कभी आपने एक एक देखा ही साथ आए वो विलेन भी होते हैं ना वो प्लानिंग ढंग से नहीं करते कि अपन चार पांच एक साथ जाएं इधर से इधर से वो भी एक -क एक -क करके एक आते हैं मार खाते भाग जाते हैं हमारा भी जो ये हीरो है ना मिटकैप के एक एक आता है मार के भगा देता है चलो डाव कमजोर है मार के भगा दो एफ ने बेचा है मार के भगा दो रिजल्ट कमजोर आए लेकिन इस बार ये ना आपने देखा होगा हीरो तभी ही पकड़ में आता है जब सारे के सारे के चार पांच तो आज हीरो पकड़ में तो न, आज इस हीरो की ताकत देखनी है तो संभाल रहा है सबको कैसे वापस रिकवरी एक साथ जब चार पांच आके तेरे पकड़ रहे हैं विलेन आज निफ्टी की दादागिरी आज इट मस्ट हीरो पता चलेगी।, आज पता चलेगी अगर आज रिकवर हो गए फिर ताकत है फिर कोई टेंशन नहीं लेकिन आज ना हो पाए तो फिर मामला है ना चौबीस हजार और चौबीस हजार के नीचे का भी बन जाए तो बड़ी बात बन रहा है तो बड़ी बात है? ठीक है बजट के दिन का लो चौबीस हजार पचहत्तर आपके लिए इसके आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम होगा वही चौबीस चौबीस दो सौ की रेंज आती है चौबीस हजार चौबीस हजार ज्यादा दूर है अगर चौबीस तीन सौ के नीचे बनो प्रिसाइसली चौबीस हजार दो सौ पैसठ दो सौ मान लीजिए उसके आसपास उसके नीचे बनो चौबीस तीन सौ मोटा मोटी पांच पच्चीस पॉइंट अपना दिमाग लगा लीजिए तो कमजोरी और बढ़ेगी बैंक निफ्टी कमजोर था कमजोर है कमजोर रहेगा मुझसे तो कुछ समझ समझना उम्मीद ही मत करो मैं सोचा कि थोड़ा एक्सिस